दूसरी बात, मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा करने लगा हूँ। मेरे पास चंद लोग आए नौजवान यूनिवर्सिटी के, तो आए वो शरारत करने, जैसे नहीं कुछ बंदे मिल के किसी पीर साहब के पास जाएं, टेढ़े मेढ़े सवाल करें, तंज व मजाक करें। आए कहने लगे, जी हम इंजीनियर साहब के फॉलोअर हैं, ये कुछ जेलम की तरफ रहते हैं, मोहम्मद अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, क्या ये नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा, हाँ उसके हम फॉलोअर हैं, तो आपसे हम कुछ सवालों जवाब करने आए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके आप फॉलोअर हैं वो इंजीनियर है और मैं भी इंजीनियर हूँ। मैंने कहा मैं आपसे सवालों जवाब नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप फॉलोअर हैं। फॉलोअर का माना क्या होता है? कि हम उसको फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ, मैं तो किसी आम बंदे को फॉलो नहीं करता। हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें अपने आप को फॉलो करने को नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने को कहा है। हमें सिखाया कि नबी अलैहिस्सलाम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, तुम ये सीख जाओ, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम बन जाओ। तो हमने तो किसी बंदे को फॉलो नहीं किया, हमने तो फॉलो किया सिर्फ रसूलों के ताजदार को। सुभान अल्लाह। तो आप एक आम बंदे को फॉलो करते हो, मेरा और आपका तो जोड़ ही कोई नहीं है। मैं फॉलो करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लाजवाब हो गए, चले गए वापस, और फिर जाके टेलीफोन किया कि हम दोबारा आना चाहते हैं, हम आपके मुरीद होना चाहते हैं, हम छोड़ दिया है। आपने जो बात की है वो हमारे सीने में उतर गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।